Clash of Clans. Hey, hi everyone. Welcome back to my channel, Clash with Aways. कैसे हैं आप सब? Happy New Year to all of you. मुझे लगता है कि आपने लास्ट वीडियो देख लिया होगा. लास्ट वीडियो में हमने देखा था सुपर आर्चर स्ट्रेटजी, जिससे आप इजीली 3 स्टार कर सकते हैं. ये उम्मीद है आपने वो स्ट्रेटजी एंजॉय की होगी और प्रैक्टिस की होगी और उसने आपको बहुत हेल्प किया होगा. और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आज हम देखेंगे बिल्डर बेस. ये है मेरा बिल्डर बेस, बिल्डर हॉल लेवल 9. और ये आप देख सकते हैं, मैंने लेवल 8 मैक्स किया है पूरा. और अब मैं लेवल 9 पे 1 मंथ से आया हूँ. और मेरे ट्रूप्स सिर्फ कैनन कार्ड मैंने मैक्स किया हुआ है, पैका और बॉम्ब बॉल रेकर मैक्स नहीं है. हम ये ट्रूप्स यूज करने वाले हैं. चलिए करते हैं एक अटैक. वर्सेस बैटल में हमें क्या करना होता है कि ओपोनेंट से ज़्यादा परसेंटेज में वो विक्ट्री हासिल करनी होती है. तो ये हम पहले वॉल रेकर सबसे पहले डालेंगे, फिर पैका और उसके पीछे कैनन कार्ड्स. और ये लावा लॉन्चर ईगल आर्टिलरी जैसा काम करता है यहाँ पे. और हमें लावा लॉन्चर से बचना होता है. तो हमारे सारे वॉल रेकर लावा लॉन्चर के शिकार हो गए और कैनन कार्ड्स मोस्ट ऑफ बच जाएंगे. और ये कैनन कार्ड्स ने लावा लॉन्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया है. और बाकी का काम हमारे पैकास ओसर और मास्टर बिल्डर कर देगा. और ये टाउन हॉल हो चुका है डिस्ट्रॉय और हमारे 62% आ चुकी है डिस्ट्रॉय. देखिए वर्सेस बैटल में हमें 3 स्टार लाना हर बार जरूरी नहीं होता है. यहाँ पे मेरी ट्रॉफीज बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 3800 तक है. तो मुझे 100% करने की ज़रूरत नहीं. मेरा ओपोनेंट अगर मेरे से कम करे तो मैं ऑलमोस्ट जीत जाता हूँ. और ये आप देख सकते हैं, ओपोनेंट मेरे ऊपर अटैक कर रहा है. वो भाई ने पावर पोशन यूज़ किया है और सारे ट्रूप्स उसके 18 के हो चुके हैं 1 आवर के लिए. और ये उसका लास्ट कैनन कार्ड बचा है, वो भी चला गया. तो आप देख सकते हो वो मेरे ऊपर 50% भी नहीं कर पाया. और इसी के साथ हम जीत चुके हैं वर्सेस बैटल. चलिए देखते हैं नेक्स्ट अटैक. यहाँ भी लावा लॉन्चर के हिसाब से हम पहले वॉल रेकर्स डालेंगे, फिर उसके पीछे पैकास. वॉल रेकर्स वॉल तोड़ चुके, फिर पैकास और फिर कैनन कार्ड. और ये सब अपना, ये देखिए लावा लॉन्चर का टारगेट क्या बना, वॉल रेकर. और हमारे कैनन कार्ड सारे सेफ है. हीरो की एबिलिटी हमने यूज करते रहना है बार बार. और पैका और हीरो के पीछे कैनन कार्ड सेफ रहेंगे थोड़े. और ये पैका के ब्लास्ट बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो भी एक बिल्डिंग डिस्ट्रॉय कर जाते हैं. चलिए देखते हैं हम लोग टाउन हॉल डिस्ट्रॉय कर पाएंगे या नहीं. और ये कैनन कार्ड ने टाउन हॉल डिस्ट्रॉय कर दिया. हमारे हो चुके हैं 2 स्टार्स. अब ये वॉल रेकर अगर आगे भी जाता तो हिडन टेस्ला ले जाता, इसके लिए कोई फायदा नहीं. तो हमने जल्दी एंड कर दिया. ये देखिए अपोनेंट ने सिर्फ 56% डैमेज दिया और 1 ही स्टार. आइए देखते हैं नेक्स्ट अटैक. पहले वॉल रेकर छोड़ने, फिर पैका, फिर कैनन कार्ड. लेट्स डू एन अटैक. यहाँ पे देखिए हमने पहले पैकास क्यों छोड़े, क्योंकि इसका आर्चर टावर एकदम कॉर्नर पे था. तो हमारे वॉल रेकर्स को अगर ये पहले ही मार देता तो ये वॉल तोड़ नहीं पाते. इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक आपको अप्लाई करना पड़ेगा. फिर भी देखिए जो सबसे दूर रहेगा ना लावा लॉन्चर, उसको टारगेट कर रहा है. ये हमारे वॉल रेकर्स को टारगेट करते हुए कैनन कार्ड, पैका और हीरो अंदर जाते हुए. लावा लॉन्चर के साथ आप ग्राउंड अटैक कर रहे हैं तो आपको मेगा टेस्ला से भी बचना होगा. मेगा टेस्ला बहुत ज्यादा डैमेज देता है.
और ये पैका ब्लास्ट होगा तो एक बिल्डिंग को साथ में ले जाएगा। यूहू, और हमारा अटैक दो स्टार हुआ है, देखते अपोनेंट ने क्या किया है। और ये अपोनेंट का भी सेम है और एक स्टार भी सेम है, बस उसका टाइम कम था। देखिए अगर आपकी ट्रॉफीज लो है और तो आपको लो लेवल के प्लेयर्स मिलेंगे। मेरी ट्रॉफीज हाई है तो ये देखिए मेरे को बिल्डर हॉल 9 मैक्स प्लेयर मिल रहा है। इसको अटैक करके भी हम जीत सकते हैं, बस हमें स्ट्रेटजी अच्छी अपनानी है। और देखिए इसमें 3 स्टार्स के लिए नहीं जाना है, अगर आप जा रहे हैं तो अच्छी बात है, पर हर बार नहीं मिलेगा 3 स्टार्स। और मैं यही अटैक लो लेवल ट्रॉफीज पे करूँ तो मुझे हमेशा 3 स्टार्स मिलेंगे, पर लूट भी देखना पड़ती है। तो अभी ये लीग में मुझे 1,50,000 लूट मिल रहा है, लो लेवल पे जाऊंगा तो कम मिलेगा। और ये लावा लॉन्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब बचा है मेगा टेस्ला। मेगा टेस्ला भी डिस्ट्रॉय। ओह ये बेस काफी टफ है, हम टाउन हॉल डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। एक वॉल रेकर बचा है, एक तो ले जाएगा आर्मी कैंप को, आगे टाउन हॉल तो नहीं ले पाएगा क्योंकि डबल कैनन है। चलिए देखते हैं अपोनेंट ने क्या किया है। और ये अपोनेंट 50% भी नहीं कर पाया, इतना मैक्स होके भी देख रहे आप। ये बेस का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये बेस एक तरह से ट्रैप बेस है। ये जो लेफ्ट साइड है जहां पे का जा रहा है वहां 3 हिडन टेस्लाज है, तो वहां जो भी जाएगा वो पहले ट्रैप हो जाएगा, फिर मेगा टेस्ला और डबल कैनन। जायंट कैनन मेरा अपग्रेड पे था, अगर वो होता तो और भी फायदा होता। ये देख सकते हैं आप 50% भी नहीं कर पाया हूं। और मेरे ट्रूप्स लेवल 16 के हैं। और ये हम और एक अटैक कर रहे हैं, वॉल रेकर्स पेकास कैनन काट। लावा लॉन्चर डिस्ट्रॉयड और मेगा टेस्ला भी डिस्ट्रॉयड। ये पैका अपने साथ रोस्टर को भी ले गया। और ये कैनन का टाउन हॉल डिस्ट्रॉय कर देंगे। और हमने सिक्योर कर लिए 72% डैमेज विद 2 स्टार्स। देखिए उसने क्या किया है, 54% कर पाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बिल्डर हॉल की मैक्स करने की ट्रिक्स बताऊंगा विद सम लॉजिक। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। And don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Subscribe for more.